नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेंटा ऑयल में गिरावट पर ब्रेक, निवेशकों में अब फिर बेहतर रिटर्न की उम्मीद बढ़ी। एटीएम मशीनों में पैसा भरने का बदलेगा तरीका, बैंकों के लिए आरबीआई की है डेडलाइन। बजाज फिनसर्व लिमिटेड का जून तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा 31.4% घटकर 833 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 1215 करोड़ रुपए था। कंपनी के मुताबिक जून तिमाही के दौरान कंपनी की कंसोलिडेटेड आय भी 1.7% घटकर 13949 करोड़ रुपए रह गई। पिछले साल की समान तिमाही में यह 14192 करोड़ रुपए थी। इन नतीजों में सहायक कंपनियों बजाज फाइनेंस, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस और बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आंकड़े शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। पेट्रोल डीजल की तरह आए दिन सोयाबीन तेल के भाव बढ़ रहे हैं। चार दिन पहले 2300 से 2320 रुपए प्रति टीन चलने वाला सोयाबीन तेल बुधवार को फिर से 50 रुपए टीन तेज हो गया है। थोक में यह 157 रुपए प्रति किलो और चिलर बाजार में यह 160 रुपए प्रति किलो से ऊपर चल रहा है। दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहा सोयाबीन तेल अब लोगों को खाना मुश्किल हो रहा है। लोग इसकी जगह इससे कम पर चल रहा फर्ली तेल ले रहे हैं। सोयाबीन के अलावा अन्य तेलों की कीमतें अभी अपने पिछले भाव पर स्थिर चल रही है। पेट्रोल डीजल के साथ खाद्य तेल की महंगाई से जनता हलाकान हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। एटीएम मशीन में पैसा भरने का तरीका अब पूरी तरह बदल जाएगा। दरअसल हाल में केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि एटीएम मशीनों में लॉक करने वाले कैसेट्स का ही उपयोग किया जाए। दरअसल साल 2018 में रिजर्व बैंक की एक समिति ने एटीएम मशीनों में कैसेट बदलने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों के बाद खुली नकदी भरने, टॉप अप करने के जोखिम की गंभीरता को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। साल 2018 के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि बैंक अपनी एटीएम मशीनों में लॉक करने वाले कैसेट्स का उपयोग करने पर विचार करें जो नकदी की भराई करते समय बदले जाए। आरबीआई ने बैंकों को 31 मार्च 2021 तक सभी एटीएम कैसेट्स बदलने की डेडलाइन दी थी। हालांकि बैंक इस डेडलाइन तक पूरी तरह से ये बदलाव नहीं कर सके। अब नए नोटिफिकेशन में सभी एटीएम में कैसेट बदलने की प्रक्रिया पूरी करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक रखी है। बैंकों को प्रत्येक तिमाही के अंत में आरबीआई को इसकी रिपोर्ट भी देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों द्वारा एटीएम ट्रांजेक्शन पर ले जाने वाले इंटरचेंज फी में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। ये नए रेट 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होंगे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर इंटरचेंज फीस को 15 से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया है। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर फीस में बढ़ोतरी कर 5 रुपए से 6 रुपए किया गया है। आरबीआई के मुताबिक इंटरचेंज फी ऐसा शुल्क होता है जो बैंक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट से लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। पिछले कुछ दिनों से मेंथा ऑयल में गिरावट अब धीमी पड़ने लगी है। बुधवार को मेंथा ऑयल में सिर्फ 1.70 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। इससे निवेशकों ने राहत की सांस ली। मंगलवार को इसका बंद भाव 931 रुपए था, लेकिन बुधवार को यह 959.50 पर बंद हुआ। इससे ऐसा लग रहा है कि मेंथा ऑयल की कीमत अब स्थिर होने लगी है। कई विश्लेषकों ने मेंथा की मांग में तेजी की संभावना जताई है, लिहाजा इसकी कीमतें बढ़ सकती है। पिछले साल 11 जून को मेंथा ऑयल की कीमतों ने टॉप लेवल छुआ था। पिछले एक से डेढ़ महीने से मेंथा ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि सप्लाई में कमी की वजह से मेंथा की कीमतें और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेंथा ऑयल में गिरावट पर ब्रेक, निवेशकों में अब फिर बेहतर रिटर्न की उम्मीद बढ़ी। एटीएम मशीनों में पैसा भरने का बदलेगा तरीका, बैंकों के लिए आरबीआई की है डेडलाइन। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।